हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और आज मैं बात कर रही हूँ अयान मोमेंट ब्यूटी की, रमा जी के बारे में। आप लोगों में से बहुत से लोग उनको जानते भी होंगे क्योंकि काफी वो फेमस यूट्यूबर बन चुकी हैं, तो और काफी लोगों की वो फेवरेट भी होंगी। तो उन्हीं फेवरेट लिस्ट में से वो मेरी भी एक फेवरेट यूट्यूबर है, मेरी रमा जी। मैं उनकी वीडियोज करीब डेढ़ साल से मैं देख रही हूँ। जब उनके 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं हुए थे कम्प्लीट, तब से मैं उनकी वीडियोज देख रही हूँ। उनके बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस वो बनाती हैं, और शायद इसी वजह से, इंटरेस्टिंग वीडियोस की वजह से ही आज वो उनके सब्सक्राइबर 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। लेकिन देखो, जिसको हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, उसको हम यहाँ थी वो और आज यहाँ पे हैं, तब से हम उन्हें देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उनके बारे में हम कुछ नेगेटिव बातें सुनते हैं या फिर देखते हैं तो हमें कुछ खुद थोड़ा खराब लगता है, क्योंकि हम भी एक हद तक उनको जान गए हैं वो कैसी हैं। जब उनके 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं थे तब वो कैसी थी, और आज उनके 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं तब भी उनके अंदर बिल्कुल भी जरा सा भी एटीट्यूड नहीं आया है कि हाँ अब वो फेमस हो चुकी है। तो उनके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड आया कि हाँ अब वो फेमस हो गई हैं, उनको बहुत से लोग जानने लगे। वो जैसे पहले थी वैसे ही वो अभी भी हैं, लेकिन अभी YouTube चैनल पे काफी देखो ना, तो काफी लोग ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं उनको लेके, अयान मोमेंट ब्यूटी की, रमा जी के बारे में ये ऐसी बातें सुन के आप हैरान रह जाएंगे, उनकी काली सच्चाई जानी है उनका ये, कि ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि क्या बोलो। अरे ऐसे वीडियोस आप लोग उनके बारे में क्यों बना रहे हो? अगर कोई सही में अच्छा है, अच्छे इंसान को क्यों आप लोग इस तरीके से बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि वो आप क्या, वो लोग रमा जी से हेल्प लेने के लिए गए थे लेकिन वो उनकी हेल्प नहीं की, तो बस उनके लिए वो लोग इस तरीके से वीडियो उनके ऊपर बनाने लगे। लेकिन ये बात तो सही नहीं है ना। अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हो, मानते हो, लेकिन वो आपकी नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कि वो खराब हो गई। पहले वो अच्छी थी लेकिन अभी वो आपकी हेल्प नहीं की तो वो खराब हो गई, ये बात सही नहीं है। वो अपने दम पे आगे बढ़ी है तो आप भी अपने दम पे आगे बढ़िए। अगर आपके वीडियोस में वाकई कुछ बात है तो आप जरूर एक फेमस यूट्यूबर, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे। लेकिन इस तरीके से अगर आप किसी से हेल्प लेके आगे बढ़ोगे तो ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका होगा, और आज के जो देखने वाले हमारे जो व्यूवर्स होते हैं वो बेवकूफ नहीं है। अगर आपको कोई सपोर्ट भी कर देता और आपके वीडियोस में दम नहीं है तो क्या है, कितने व्यूज आएंगे आपके? एक दिन एक वीडियोस में व्यू आ गया लेकिन फिर उसके बाद क्या है, वो नहीं आएगा, क्योंकि आपके वीडियो में दम ही नहीं है। तो इसीलिए आप अपने दम पे आगे बढ़े, जैसे कि वो अपने दम पे आगे बढ़े और किसी से हेल्प नहीं लिए। और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हमारी हेल्प तो किए नहीं, और अपने जो रिलेटिव्स हैं जैसे, तो वो अपनी सिस्टर और सिस्टर इन लॉ की हेल्प उनके चैनल के बारे में अपने चैनल पे बताई है, तो इससे लोग कहते हैं कि हमारी भी हेल्प कर दो, हम भी आगे बढ़े। देखिए ये सही तरीका नहीं है। आप अपने दम पे आगे बढ़िए और प्लीज इस तरीके से किसी के भी बारे में नेगेटिविटी मत फैलाइए। अगर वो इंसान अच्छा है तो उसके बारे में अगर अच्छा कुछ नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए। इस तरीके से क्या है कि आप ही का नुकसान है, लोग आपको ही गलत समझेंगे। अभी जिन लोगों ने नया अपना चैनल क्रिएट किया है और कुछ खास सक्सेस उनको नहीं मिल पाई है, लेकिन क्या है, हम मेहनत करेंगे तो एक दिन आगे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर कोई मेहनत के बल पे ही आगे बढ़ता है। हाँ अगर कोई बड़ा यूट्यूबर उनको सपोर्ट कर देता है तो इस तरीके से क्या है, वो थोड़ा शॉर्टकट तरीके से जल्दी आगे बढ़ते, लेकिन फिर भी अगर उनके वीडियो में वो बात नहीं है जो हमारे व्यूवर्स को पसंद आए, तो फिर उनके कोई किसी के सपोर्ट से भी कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगर आपके वीडियोज में दम है तो आप अकेले भी आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से किसी के भी बारे में नेगेटिविटी मत फैलाएं। और अयान मोमेंट ब्यूटी चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, देखेंगे
तो उनके काफी अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं और काफी इंटरेस्टिंग भी है। उनके हस्बैंड, उनका बेटा और उनकी जो दीदी की लड़की है नंदनी, वो सब उसमें मतलब पूरी फैमिली मिलके एक वीडियो में पूरा होता है ना कि मतलब उनका पूरा इस तरीके से घर का माहौल बना हुआ है कि वो पूरी फैमिली उस वीडियो में आती है सब साथ में, तो वो सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। यानी कि वो अपने घर का माहौल इस तरीके से पूरा बना ली है, जैसे कि पूरा मतलब एक यूट्यूब चैनल बनाना है तो पूरा अपने घर का माहौल ही बदल के रख दें। तो ऐसा देखिए हर किसी के घर में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है, ऑफिस जाना है, स्कूल है, ये सब है, तो नहीं हो पाता है। हाँ, अगर वो इस तरीके से वो कैसे कर पा रही, किस तरीके से वो मैनेज करती हैं अपना काम और एक छोटा सा बच्चा, फिर उसके बाद उनके हस्बैंड का ऑफिस, ये सब मतलब वो किस तरीके से करती, सच में वो मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो उनसे सीखना चाहिए हम लोगों को। तो मैं तो उनको मतलब दिल से उनको पसंद करती हूँ, इसलिए प्लीज मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी के बारे में भी इस तरीके से नेगेटिविटी मत फैलाइए और जो लोग अच्छे हैं उनको अच्छा ही कहिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, एक जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो और वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही मेरे चैनल पर कमेंट करिए, मतलब मेरे वीडियोज पर कमेंट किया करो। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट किया और फटाफट से उसमें कमेंट कर दिया। इससे क्या है कि मेरा तो वॉच टाइम माइनस होता ही है, लेकिन मेरे साथ साथ आप लोगों का भी वॉच टाइम जो है वो माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी कोई मत किया करिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।